चलिए आगे बढ़ते हुए इंदौर से अगली खबर आपको बता दें, कार्तिक जोशी आज अयोध्या के लिए रवाना होंगे। इंटरनेशनल अल्ट्रा रनर कार्तिक जोशी इंदौर से अयोध्या 1008 किलोमीटर की दौड़ लगाने वाले हैं। तो 22 जनवरी को कार्तिक अयोध्या पहुंचेंगे, रणजीत हनुमान से इस अयोध्या के लिए इस दौड़ की शुरुआत वो करेंगे। आपको बता दें कि उनकी दौड़ की शुरुआत के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद रहेंगे। तो हर वर्ग हर धर्म से जुड़े लोग अपनी अपनी तरह से अयोध्या पहुंच रहे हैं, 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन के लिए साक्षी बन रहे हैं। और ऐसे में कार्तिक जोशी जिनको लेकर बंसल न्यूज ने एक खास रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी, वही कार्तिक जोशी इंटरनेशनल अल्ट्रा रनर 1008 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे। और आपको बता दें कि 22 जनवरी को वो अयोध्या पहुंचेंगे। सीधे रुक करते हमारे साथ इंदौर से संवाददाता पीयूष पारे लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी और किस तरह की तैयारियां हैं जरा बताइए, क्योंकि हर वर्ग हर धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति 22 जनवरी के लिए उस ऐतिहासिक दिन के लिए साक्षी बनना चाहता है। ऐसे में कार्तिक जोशी आज अयोध्या के लिए रवाना होने वाले हैं और बताया भी जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी भी इस दौरान रहेगी। देखिए बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय जो कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के, वो इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। मैं आपको एक तस्वीरें दिखाता हूं उस वक्त जया कि ये कार्तिक जोशी जो है अल्ट्रा रनर, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने कई खिताब इंडिया को दिलाए हैं, इंदौर को दिलाए हैं। और अब जब अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है तो कार्तिक जोशी इंदौर से अपनी इस विशेष दौड़ को शुरू कर रहे हैं और आज से ये दौड़ शुरू हो रही है। आप तस्वीरों में देखें कि खुद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा इंदौर के जो महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और तकरीबन जो ये यात्रा 1008 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुँचेगी, तो ये कीर्तिमान फिर से कहीं ना कहीं रचने जा रहे हैं। और इंदौर देश का जो सबसे स्वच्छ शहर है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ से सीधे तौर पर उसी संकल्प को लेकर कार्तिक जोशी इस यात्रा में रवाना होंगे। और इसके साथ में वे यहां से उज्जैन पहुंचकर वहां पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद में कहीं ना कहीं यहां पर अयोध्या की तरफ वे रवाना होंगे। तो कहा जा सकता है कि उत्साह है, जिस तरीके से 22 जनवरी का ये जो एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जब रामलला का लोकार्पण हो रहा है, तो खुद कार्तिक जोशी भी इंदौर का गौरव बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कार्यक्रम पहुँच रहे हैं। और आप देखें कि जय जय सिया राम के नारों के साथ में हरी झंडी आप कुछ ही देर में यहाँ पर दिखाएंगे कैलाश विजयवर्गीय, और ये शुभकामनाएं दे रहे हैं कार्तिक जोशी को कैलाश विजयवर्गीय। अक्सर जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों का प्रोत्साहन वो करते हैं, चाहे हमने देखा हो कि किसी भी बड़े जो है वो कार्यक्रम के लिए जब खिलाड़ी रवाना होते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय इसी तरीके से उत्साह बढ़ाते हैं। और आज सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है वो कैबिनेट मंत्री उत्साह बढ़ा रहे हैं कार्तिक जोशी का। तो एक और नया कीर्तिमान रचने के लिए कार्तिक जोशी अब कुछ ही देर में इंदौर से अयोध्या की इस यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। जया बिल्कुल पीयूष, आपके जरिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखिए खास बात यह है कि 22 जनवरी के उस भव्य दिन के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से अयोध्या पहुंच रहा है। कोई रेल यातायात का प्रयोग कर रहा है, कोई सड़क मार्ग से पहुंच रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अनोखा तरीका अपना रहे हैं। एक शबनम जो कि पद यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं, और एक है कार्तिक जो कि दौड़ लगाते हुए इस सफर को पूरा करेंगे और 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका पीयूष, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।